अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम मोइन खान और मैं सभी प्यारी प्यारी माता बहनों का और प्यारे भाइयों का इस चैनल के अंदर बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज जिस उपाय के बारे में मैं आपको बताऊँगा वो एक ऐसा उपाय है जिसको आपने एक बार करना है और एक बार करने में ही आपको किसी भी दो लोगों को अलग कर सकते हो। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं, मेरे हाथ में है लहसुन और लहसुन की कली से कैसे दो लोगों को अलग किया जाता है, नाम लिखकर कैसे दो लोगों को हमेशा के लिए एक दूसरे के खिलाफ किया जाता है, कैसे दो लोगों में नफरत पैदा कराई जाती है, इस टॉपिक पर आज बात करेंगे। बहुत से लोग समझ रहे हैं ऐसा क्यों करवाते हैं, ऐसा नहीं करवाना चाहिए। दोस्तों, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोलना चाह रहा हूँ, उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिन लोगों की पत्नी उनको छोड़कर किसी मर्द के साथ अफेयर में लग जाती है, या किसी का पति किसी औरत के साथ लग गया है, किसी का बॉयफ्रेंड पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी जो किसी अन्य व्यक्ति उसको छोड़कर किसी दूसरे इंसान से लगा हुआ है, तो ऐसे में कौन नहीं चाहेगा कि वो उसके साथ से अलग हो जाए। तो उसी के लिए है बस। तो मुझे इस सही बात बोलने पर एक लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कैसे आप उससे दूर कर सकते हैं अपने साथी को, उन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकते हो, इस उपाय के माध्यम से जानेंगे। दो लहसुन लेने हैं और एक काला धागा लेना है। अब उसके बाद लहसुन लेने और नाम लिखना है जिसको अलग करना है। यहाँ नाम लिखना है उसका, रानी नाम है उसका, यहाँ मैंने रानी लिख दिया। दूसरे जिसको अलग करना है उसका नाम है विमल, तो यहाँ मैंने विमल लिख दिया। धागे में आपको देखने को दो छोर मिलेंगे इस तरीके से, दो छोर मिलेंगे और उनको बांधने पड़ेंगे आपको, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से। जैसे ये मैंने बांध दिया एक छोर में और एक छोर में, अब आपको इसको बांधना है। इस तरीके से तो ये दोनों छोर आपको बांध देने हैं इस तरीके से। और अब आपको अपने मन के अंदर इस तरीके से फैला लेनी है, और अपने मन के अंदर आपको जिस भी भगवान के सामने आप बैठना बैठते हो प्रार्थना करते हो, तो भगवान के सामने जाकर इस तरीके से करना है और बोलना है कि रानी और जिसका नाम लिखा है ये दोनों का नाम अलग अलग लहसुन पर लिखना है और ये अलग हो जाए, जैसे दिवेश और रानी अलग हो जाएं। तो इस तरीके से बोलने के बाद सच्चे मन से बोलना है और आपको इसके अंदर ये होना चाहिए। उसके बाद आपको इसको भगवान के नीचे रख देना है, चरणों के नीचे रख देना है 24 घंटे के लिए, इसको वहीं रखा रहने देना है। मैं गारंटी देता हूँ दो लोग हमेशा के लिए उस उपाय से अलग हो जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे और कभी भी एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे, इतना फ़ायदेमंद ये उपाय है। तो इस उपाय को करिए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात होगी अगली नई वीडियो के साथ।